की रफ्तार। इसे वापस ले जाओ। अरे एक बार देख, मैंने कह दिया इसे वापस ले जाओ। कमॉन, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हा? अब उसे क्या पता कि निकिता से तलाक लेने के लिए तुम्हें मजबूर किया गया। कमॉन, होता है ऐसा, देख तो लो। हेलो, यस। हेलो सर, मिस्टर दास आ गए हैं। मैं उन्हें कह दो मैं उन्हें नहीं मिल सकता। लेकिन सर आपने, नहीं प्लीज, और मेरी आगे की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। हेलो मैडम, मैंने आज विलास के सूखे जख्मों पर फिर से नाखून लगा दिया। अरे भाई, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। निकिता, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छा, अभी मैं रखता हूं। निकिता, बचपना मत करो, तुम जिद मत करो। ओके, हाँ मैं बाद में फोन करूंगा, चलो बाय। हेलो, हेलो विजय, जरा विलास से बात करनी थी। उसके कैबिन में ऑपरेटर फोन नहीं दे रही है, कहती है सख्त मना है। क्या बात करनी है? ये विलास ने क्या लगा रखा है, सहकार को परेशान क्यों कर रहा है, मैं पूछूंगी उससे। नहीं बा, आज उसे कुछ मत कहो। क्यों, आज क्या हुआ है? आज मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। विजय, क्या हुआ उसे? आज की तारीख याद करो। आज के दिन विलास और निकिता की शादी हुई थी। Thank you.
निकिता के पिताजी थे वो इसके पेपर्स लेकर आए, तुम इन्हें साइन कर दो और निकिता को आजाद कर दो। लो, आज से तुम आजाद हो। मानों में घर कहलाएगा। घर का दिल बहुत विशाल होता है, वो सब कुछ अच्छा बुरा अपने भीतर समा लेता है, इसीलिए तो वो घर कहलाता है। अगर हम भटक भी जाएं, तो घर आंखें बिछाए हमारी राह देखता है और भटके हुए कदम को गले लगा लेता है। चलो विलास, इस घर को भी पता चल जाए कि उनका खोया हुआ बड़ा बेटा लौट आया है। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। विलास, आने वाला वक्त हमारा होगा ना? किसके साथ शादी की है निकिता ने? निकिता से शादी मैंने की है। विलास, विलास ये क्या कर रहे हो? विलास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये प्रजासत्ता, ये सरकार, ये दुनिया, ये जिंदगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विलास, विलास, तुम्हें तोड़ना है, बहुत शौक चला तुम्हें तोड़ने का। लो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लो, तो, अरे तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सारी दुनिया तुम्हें निचोड़ती रही, तुम्हें सोचती रही, और तुम होकर उनको नुकसान पहुंचाने के बगैर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे। नुकसान क्या बचा है मेरे पास? कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। है कोई वजूद मेरा, है कोई मेरी पहचान, इस अकेलेपन के सिवा मेरे पास क्या बचा है? क्या बचा है मेरे पास? विलास, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कौन हो तुम? क्या हो तुम? क्या लगते हो तुम मेरे? तुम्हारे कह देने से तुम मेरे अपने नहीं बन सकते। तुम और तुम्हारी सिद्धि देवी मुझे मेरे परिवार का प्यार नहीं दे सकते, मुझे मेरी बाह का दुलार नहीं दे सकते। अकेला पड़ गया हूं मैं, बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। आज मेरी आत्मा मेरी दुश्मन बन गई है, सवाल पूछती है मुझसे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये सब क्या कर रहा हूं। तुम पर ढाए गए सितम याद करो विलास, तुम्हें उसका बदला लेना है। नहीं लेना मुझे कोई बदला। और किस किस से बदला लूं मैं, किस किस से?
क्या ये बदला मुझे मेरे भाका दुलार वापस दिला सकता है? ये मेरे गाल तरस गए मेरी बाकी उंगलियों के स्पर्श के लिए। क्या बदला लेने से ये सब मुझे वापस मिल सकता है? नहीं, मैं तंग आ गया हूं। मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं रही है, नरक बन गई है। अब मैं ये सब नहीं सह सकता, नहीं सह सकता ये सब। विलास, तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो। होश में आओ, पागल मत बनो। मैं पागल बनना चाहता हूं, हां मुझे पागल बनना है। शायद ये पागलपन ही मेरे मन की शांति मुझे लौटा सके। तुम जानते हो रंजीत, मैं अपना बदला नहीं ले सकता, ना ही मैं प्रजासत्ता की सर्कुलेशन को बढ़ा पा रहा हूं। उसकी वजह जानते हो क्यों? क्योंकि कहीं मेरे दिल की गहराई में मैं ये नहीं चाहता हूं, और इसीलिए मैं पूरी शक्ति से काम नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरे अपने चाहिए रंजीत, मुझे ममता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे वो सारे जज्बात चाहिए जो इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। मैं रातों की नींद चाहता हूं, मेरे दिल का सुकून चाहता हूं मैं। तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो विलास। तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होना है, प्रजासत्ताक के लिए सहकार को बंद करना है जो सिद्धि देवी चाहती है। अंडरस्टैंड? जस्ट लीव मी अलोन। Okay. अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। क्या कर रहे हो? स्कूल में एडमिशन्स पर एक राइटअप बना रहा हूं। ये अभी तक तैयार नहीं हुआ, ये आज जाना है। हाँ मालूम है, जाना है। मैं तैयार थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं। अभी मुझे वो डाटा मिला है ना, उसे एंटर कर रहा हूं। कमाल है वैसे आप, हमारे यहाँ इतनी करप्शन होती है, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। करप्शन तो एक आदत जैसी हो गई है, और आदत भी ऐसी सांस लेने जैसी जिसका पता भी नहीं चलता। अगर करप्शन ना हो ना तो सारा सिस्टम बिगड़ जाए। सच कहा तुमने। अब देखो ना, ये जो डोनेशंस का डाटा मुझे मिला है ये ऑफिशियल है, लेकिन अनऑफिशियली न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए दिए और लिए गए होंगे, कोई हिसाब ही नहीं है। बंद हो जाना चाहिए इस डोनेशन की प्रथा को। पेपर पे तो बंद है, लेकिन सिर्फ पेपर पर। दैट्स गुड। आबा। हाँ जी। ये एक नई ऐड आई है। हाँ हाँ। ये छपा है। अवतार सिंह और रजनीगंधा का जॉइंट वेंचर? अवतार सिंह यानी कि विलास जी? हाँ विलास जी। हाँ, कोई जॉइंट वेंचर में किसी बहुत बड़ी फिल्म का मॉडल करने वाले हैं। विलास जी फिल्म बना रहे? अरे बंधन, कोई नया नाटक होगा उनका। लेकिन क्या हो सकता है? पता नहीं, छाप दो, जगह तो है ही। जी सर, जगह तो दोनों चीजों के लिए है,
लेकिन मंथन तुम अपना आर्टिकल मुझे कंप्लीट करके दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ, बस एक मिनट अभी दे रहा हूँ। ये एड तुम्हें दिया किसने? रजनीगंधा के सेक्रेटरी। वाह, रजनीगंधा प्रेजेंट्स दुश्मनी। भाई ये रजनीगंधा दुश्मनी क्यों बना रही है? इसकी फिल्म का तो नाम होना चाहिए कच्ची कली, खूबसूरत अनार कली। बिल्कुल सही फरमाया आपने, दुश्मनी। डीएम साहब, क्या ये वही फिल्म है जिसके लिए अवतार सिंह पैसा लगा रहे हैं? जाहिर है, इसमें तो यही लिखा है कि ये दोनों का जॉइंट वेंचर है। अवतार सिंह भी इस फिल्म का जिक्र करता रहता है, मगर उन्होंने हमें पता ही नहीं चलने दिया कि वो रजनीगंधा के साथ ये फिल्म कर रहे हैं। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है भाई? मुझे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। आजकल ये रजनीगंधा अवतार सिंह के पास कुछ ज्यादा ही फटकने लगी है। देखिए वो तो होना ही है, वगरना इतना बड़ा प्रोजेक्ट आकार कैसे लेगा? जानते हो दिवाकर, इस इश्तिहार में हमें सबसे अच्छी बात क्या लगी? कौन सी लिखा बात है? कैप्टन अवतार सिंह और रजनीगंधा की दुश्मनी। मगर आपको इन दोनों की दुश्मनी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? भाई हमने अंग्रेजों से एक बात सीखी है कि लोगों को आपस में तोड़वाओ, भिड़वाओ और राज करो, उन्हें जोड़ने मत दो। जहां जोड़ होता है वहीं तो हमारी जगह है। बस लोगों की लगाम अपने हाथ में रखो कि वो जुड़ ना पाए, इससे हमारा फायदा है। और भैया यही असली राजनीति है, यही असली राजनीति। डीएन साहब आप धन्य। वो तो हम हैं दिवाकर। अवतार सिंह और रजनीगंधा के बीच ये शब्द दुश्मनी जो है, ये सिर्फ कागज पर और फिल्म के नाम के रूप में, हम चाहते हैं कि ये शब्द दुश्मनी उन दोनों के दरमियान हकीकत में बदल जाए और वो दोनों मदद मांगने हमारे पास। डीएम साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनमें कुछ अनबन होगी और वो आपके पास आएंगे? अनबन होती नहीं है दिवाकर, अनबन तो कराई जाती है। वो दोनों हमारे पास आए, हमसे आशीर्वाद लें, यही तो हम चाहते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं आएंगे, हम आशीर्वाद नहीं देंगे, तो देश का, जनता का, हमारा भला कैसे होगा? हाँ जी चोपड़ा साहब, फोन बिजी था। वो क्या है, बधाइयों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं, इसीलिए लगता है इस खबर में पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है। बहुत खुश हैं सब लोग। जी नहीं नहीं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। नहीं थोड़ा बिजी थी, स्टोरी शूटिंग चल रही थी। जी बाय। ओह माय गॉड, मैं तो फोन पे बात कर करके थक गई हूँ। कैप्टन साहब शुरू करें? ओह गॉड, इधर बैठिए। कैप्टन साहब, ये कुछ स्टोरीज हैं, कुछ राइटर्स लेकर आए हैं। इनमें से एक बहुत ही फैंटास्टिक है, उस पर एक हिट फिल्म बन सकती है, देखिए।